सरकार की नीतियों के खिलाफ आज मुंबई में संविधान बचाओ रैली निकल रही है और इसमें शामिल होने के लिए गुजरात से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पहुंचे। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है नाना पटोले, जो कुछ दिन पहले ही जिन्होंने बीजेपी को राम राम ठोककर अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दोनों से समझेंगे क्योंकि दोनों युवा है और किस तरह से इस रैली के आगे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो है माहौल बनता जा रहा है। हार्दिक, आपसे समझना चाहेंगे क्या आपके मेन पॉइंट्स रहेंगे और किस तरह से आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इस रैली के माध्यम से। देखो, मैं तो खुला बोलता हूँ, उसमें ये नहीं बोलूँगा क्या करना क्या नहीं। हमारी बात ही है कि गलत लोगों के सामने लड़ना जी, और ये गलत लोगों के सामने इस तरह से लड़ना है कि लोगों का एक अच्छा खासा काम बने इस देश के अंदर। देश को ऐसे नोचने का काम कर रहा है, देश पीछे नहीं जा रहा है, डूब रहा है। और ये सारी नीति पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने की है, यहाँ पर बड़े दुख की बात है। देखते हैं, संविधान को बचाने की बात इसलिए करते हैं कि जस्टिस लोया की बात हो, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की बात हो, उन लोगों ने जिस तरह से लोकतंत्र खतरे में है ऐसी बात कह दी, उसके बाद हम सबको जागने की ज़रूरत है। इस मुद्दे पर सोचना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, हंसी मजाक संविधान पर नहीं हो सकते। नाना, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आप अब महाराष्ट्र के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में घूम रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति दिख रही है और इस रैली के पीछे का मकसद क्या है आप लोग? सबसे मस्त हमारे लिए हमारे देश का संविधान होता है, और संविधान को ही जो लोग तोड़ना चाहते हैं, देश का लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, उनके विरोध में आज आप देखोगे कि सब विचारधाराओं के लोग एक साथ आए हैं, पत्रकार आए हैं, कॉलेज के बच्चे बच्चियां भी आए हैं, बुद्धिजीवी लोग भी आए हैं। इसका कारण ही है कि मोदी जी ने इस देश में जिस तरह से आंतक लोकशाही पे बना के रखा है, हुकुमशाही लाना चाहते हैं, उसी का आज आप ये देखते हो कि मुंबई में आज सभी लेवल के लोग इकट्ठा हुए हैं। खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस रैली में मौजूद रहेंगे, राजू शेट्टी, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अशोक चौहान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सभी दिग्गज नेता विपक्षी पार्टियों के मुंबई में इकट्ठा हुए और कुल मिला के जो नीतियाँ मोदी सरकार की देखने को मिली है और अलग अलग बयान मोदी सरकार के मंत्रियों की ओर से जो आए हैं, बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ पर सुनने मिल रहा है वो यही है कि अनंत कुमार हेगड़े ने जो कर्नाटक में बयान दिया था कि संविधान को चेंज करने की बात सरकार कर रही है और उस तरफ विचार कर रही है, उसी का विरोध करने के लिए संविधान रैली जो है वो निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस रैली को समर्थन भी देते दिख रहे हैं। तो मुख्य तौर पर कुछ देर बाद ही यहाँ से रैली की शुरुआत होगी। हार्दिक पटेल ने साफ कहा है कि मोदी सरकार की नीतियों का वो लगातार कड़े शब्दों में विरोध करते रहेंगे और इसके अलावा कई बड़े नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच के अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते दिख रहे हैं। रौनक कुकड़े, मुंबई।